गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बी एस चौहान फ्रॉम इंडो भारत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। आफ्टर विंटर ब्रेक वी कंटिन्यू माई क्लास, नाउ चैप्टर नंबर 7 फॉर क्लास 11th। नाउ दिस चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। नाउ बिफोर इट वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। नाउ फॉर इट फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। Fundamental principle of counting, this introduction we discuss about for one example. It's a very simple example. Suppose we take the 3 pants and 2 shirts. We take the P1 and P2 and P3. There are 3 pants are given. So how can you make the pair of the pant and shirts? तो आपको ये फाइंड आउट करना आप कितने तरीकों से इनको अरेंज कर सकते हैं। आपको S1 और S2 मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ फॉर शर्ट्स के लिए। आपको इन 3 पेंट के साथ में इन शर्ट्स को आपको अरेंज करना है, तो आप कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, मैं P1 के साथ में आपके पास में अरेंज किया, पॉसिबिलिटी क्या है P1 एंड P1। यहाँ पर मैंने दोनों पेंट लिया है P1 P2, और यहाँ पर P1 और P2 के साथ में मैं 2 शर्ट्स ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पॉसिबिलिटी ओनली 2 शर्ट्स हैं। तो P1 S1 एंड P1 S2 ये पॉसिबिलिटी बनती है मेरे पास में। सिमिलरली P2 के साथ में अगर मैं अरेंज करता हूँ P2 एंड P2, तो P2 के साथ में मैं अरेंज कर सकता हूँ फर्स्ट S1 एंड सेकेंड S2। नेक्स्ट वी टेक द अगेन थर्ड पेंट के साथ में अपन क्या ले सकते हैं। थर्ड पेंट के साथ में आप शर्ट S1 एंड शर्ट S2 आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास में फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर एंड सिक्स्थ पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 = 6। इसको हम यहां नाम देते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इनको अरेंज करने का जो मेथड है, P1 के साथ में हमने S1 S2 लिया, फिर P2 के साथ में हमने S1 S2 और P3 के साथ में हम S1 S3। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ जो पेयर हैं ये तो एक मेथड हो गया। अब इसी को अगर 3 पेंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 3 × 2 = 6, इट इज द आंसर। ये एक सिंपल मेथड बन गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। 2 बैग्स, आपके पास 2 बैग्स हैं, उसमें आपको 3 टिफिन्स और 2 वाटर बॉटल्स। तो ध्यान से देखिएगा, 2 बैग्स B1 एंड B2। अब B1 और B2 के साथ में मैं 3 टिफिन्स, मेरे पास यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं 3 टिफिन में से कोई भी एक टिफिन मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। मींस टिफिन आपको एक ही लेना है बिग वन में, लेकिन मेरे पास पॉसिबिलिटी में 3 टिफिन में से कोई भी टिफिन सेलेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पर हम बात करते हैं टिफिन, मैं T1 भी ले सकता हूं, T2 भी ले सकता हूं और मैं T3 भी ले सकता हूं। मतलब बैग वन में मैं तीनों टिफिन में से किसी एक टिफिन को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। सिमिलरली बैग टू में वापस से मैं टिफिन T1, नाउ T2 एंड नाउ T3, मैं तीनों टिफिन में से किसी एक टिफिन को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। अब इनके साथ में मुझे 2 वाटर बॉटल्स, 2 वाटर बॉटल आपको गिवन है, लेकिन सेलेक्ट आपको एक ही करनी है क्योंकि आपके पास में पेयर बनेगा 1 बैग 1 टिफिन 1 वाटर बॉटल। ये आपके पास एक पेयर बन गया। सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्शंस का है बैग 1 और बैग 2 के साथ में आप T1, T2, T3 में से किसी एक टिफिन को ले सकते हैं। ऐसे ही B2 में आप T1, T2, T3 3 टिफिन में से कोई एक टिफिन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अब यहां पर इसके साथ में आपको पेयर बनाना है B1, T1, ये तो बन चुका है। सिमिलरली B1 एंड T2 ये आपका साथ बन गया और ये बन गया B1 एंड T3।
पहले अपन इसको लिख लेते हैं। चलिए यहां पर अपन पेयर बन गया बी टू एंड टी वन एंड सेकेंड पेयर बी टू एंड टी टू एंड नेक्स्ट इज बी टू एंड टी थ्री। अब बात करते हैं अपन टिफिन की, तो टिफिन जो है सॉरी वाटर बॉटल के साथ में आपके पास में टू पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप इसके साथ में दो वाटर बॉटल W1 W2 वाटर बॉटल को मैं यहाँ W से सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि आप इस बैग और इस टिफिन के साथ में आप इन दोनों वाटर बॉटल में से किसी एक वाटर बॉटल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो पैर बनेगा, पैर क्या बनेगा B1 T1 W1, यहां B1 T1 W2, नेक्स्ट इसके साथ में आप W1 और W2 दोनों में से किसी एक वाटर बॉटल को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर भी आप W1 और W2 में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ पेयर को अपन नाम लिखते हैं तो ये बनता है आपके साथ में B1 T2 W2, यहां आप नाम लिखेंगे B1 T3 W1 एंड यहां आप लिखेंगे B1 T3 T2 W2। तो देखो इट इज द फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर एंड सिक्स पेयर। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, पर यहां पर ये बहुत ही एक लेंथी मेथड है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके इसको एक बहुत ही इजी मेथड से अपन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम जैसे अपने B1 के साथ में किया है, ऐसे ही आप B2 के साथ में कर सकते हैं। तो यहां कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेंगे और 6 + 6 इज इक्वल टू टोटल आंसर आपका आएगा, टोटल नंबर ऑफ पेयर इज 12। अब अपन एक काम करते हैं, इसको सिंपल मेथड से अगर करना चाहें तो बैग आपके पास दो थे 2, इसके साथ में आप टिफिन आपके साथ में 3 हैं तो आप 3 लिखिए और इसके साथ में आप वाटर बॉटल आप 2 ले रहे हैं तो यहाँ 2 लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू 2 × 3 = 6 एंड 6 × 2 = 12 इज द आंसर। ये एक सिंपल मेथड है फाइंड आउट करना, कि इस मेथड से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकली आपको करके बताया है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बुक में भी आपको गिवन है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेयर बनता है। अपन ने मैंने आपको बताया कि B1 में आप T1 को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ में आप वाटर W1 को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पेयर बनता है फर्स्ट बैग, फर्स्ट टिफिन एंड फर्स्ट वाटर बॉटल। ऐसे ही फर्स्ट बैग एंड फर्स्ट टिफिन एंड सेकंड वाटर बॉटल, ये दो बन जाते हैं। सिमिलरली W1 W2 वापस से, W1 W2 वापस से इन दोनों तीनों पेयर के साथ में। अगर यहाँ B2 लेते हैं, इनके साथ में आप लेंगे B2 T1 तो आ चुका है, तो यहाँ पर वापस आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे B2 T1 एंड W1, B2 T1 एंड W2, ऐसे यहां बनेगा और ऐसे यहां बनेंगे, तो 2 + 2 + 2 = 6, यहां पर भी 6 पेयर बनते हैं, यहां पर भी 6 + 6 टोटल हो जाते हैं 12 पेयर। ये तो एक प्रैक्टिकली मेथड हो गया, और ऐसे आपको न शो करके आप डायरेक्ट अगर ओरली आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 3 × 2 = 6 = 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12, क्योंकि ज़्यादा अगर नंबर ऑफ पेयर्स हो तो उस कंडीशन में ये मेथड जो है वही बहुत ही लेंथी हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे अपन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ में मैं इनको बताना चाहूँगा आपको। अभी अपन फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 7.1
सीधे एक्सरसाइज आपको खुद को करना है, मैं एग्जांपल्स के साथ में चल रहा हूँ। सीधे एग्जांपल नंबर वन, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज आर ओ एस ई वेर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। मीन्स आपको एक वर्ड गिवन है आर ओ एस ई, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें आपको ये जो लेटर्स हैं लेटर्स को अलग अलग सिक्वेंस में, कभी आपने एस फर्स्ट ले लिया, कभी आपने ओ फर्स्ट ले लिया, कभी ई फर्स्ट ले लिया, ऐसे आपको विदाउट मीनिंग और विदाउट मीनिंग आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन वर्ड लेटर जो है वो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये आपको कंडीशन गिवन है। यानी कि एस को दो बार नहीं लेना, एक बार ही लेना, ई को भी आपको, यानी कि लेटर्स जो है वो फोर ही लेने हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट मीन्स अगर आपको फोर लेना है तो फर्स्ट तो फोर हो गए, अगर फोर के बाद में फर्स्ट आपके पास में क्या बना थ्री, सेकेंड आपके पास में टू और इनटू वन, और आपके पास में आंसर क्या आया फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इंटू वन ट्वेंटी फोर इज द आंसर। कहने का मीनिंग मेरा ये है कि मैं यहां पर 24 वर्ड्स बना सकता हूं इन फोर लेटर्स को लेकर। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे आपने ए आर ओ ए सी, एक तो ये है, आप एक ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने ओ पहले लिया, आर और ई और एस, वो मैंने पहले लिया, फिर ई मैंने लिया, फिर आर लिया, फिर एस लिया, जैसे ये एक वर्ड्स बना, एक लेटर एक वर्ड तो बना हुआ है, एक मैंने ये बनाया, एक ये बनाया, तो ये विदाउट मीनिंग भी हो गए। तो इस तरह से आपको बनाने हैं, आपको रिपीट नहीं करना। रिपीट का मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं लिखता हूं आर ओ एस ई आर, मैंने आर को रिपीट कर दिया, तो इट इज नॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको नहीं लेना है, आपको केवल इस तरह से लेना है। तो ऐसे ही कभी ई फर्स्ट लिया, कभी आर, कभी एस, कभी ये, तो इनकी सीक्वेंस को, लेटर्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको चेंज करते रहना है। तो आप बहुत ही 24 वर्ड्स लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल होगा भी तो बहुत लेंथी होगा। तो अपन को सिंपल क्या बताना है, हाउ मेनी वी कैन फाइंड हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग बट नॉट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो उसमें क्या करना है, पहले फोर में से किसी एक को सिलेक्ट किया तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, आप फोर में से किसी एक को ले सकते हैं, तो आपके पास चॉइस होगी फोर्थ। नेक्स्ट फोर में से एक आ गया, अब आप बचे थ्री लेटर्स, तो थ्री लेटर में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बनी थ्री, तो मैंने लिखा इनटू थ्री, मल्टीप्लाई करना आपको, यहाँ मल्टीप्लिकेशन चलेगा, इसी को बोलते हैं अपन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट थर्ड आ गया, अब दो लेटर्स आ गए, यहाँ दो लेटर्स आ गए, अब आपके पास दो लेटर्स बचे हैं, दो में से किसी एक को चूज करना है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बनी टू, तो मैंने लिखा इनटू टू। अब थ्री लेटर्स आ गए, अब बचा क्या एक, तो उसी को लेना है इनटू वन। इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 24, दैट मींस यू कैन मेक द 24 वर्ड्स बाय यूजिंग दिस फोर लेटर्स आर ओ एस ए, इट इज द एग्जांपल नंबर वन। नाउ सी द एग्जांपल नंबर टू, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, Given four flags of different colors, how many different signal can be generated if a signal required the use of two flags, one below the other? कहने का मीनिंग यहां पर क्या हुआ, आपके पास में फोर कलर्स हैं, मीन्स वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री फोर कलर्स, फोर कलर्स आपको गिवन है, और इनके साथ में दो आपको सिग्नल बनाने हैं टू कलर्स को लेके, मींस केवल टू कलर्स के सिग्नल बनेंगे, ये टू कलर्स के सिग्नल है वन एंड टू। तो आप कितने टाइप से ऐसे कितने सिग्नल बना सकते हैं इन फोर कलर्स को लेकर, तो फोर में से मेरे पास चॉइस क्या है, मेरी चॉइस है इन चार में से कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैंने एक ले लिया, अब मेरे पास चॉइस कितनी है थर्ड, तो मेरे पास थ्री चॉइस है,
थ्री कलर में से कोई भी मैं एक कलर्स को चूज कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे लेना नहीं है क्योंकि मुझे एक के बिलो एक, एक के नीचे एक, केवल एक दो ही सिग्नल बनाने हैं, ऐसे सिग्नल बनाने जो दो ही कलर चूज करने हैं। तो 4 × 3 आंसर कितना है 12, तो आंसर इज 12। अगर 3 होता है तो मैं यहाँ पे 4 × 3 × 2 होता, अगर 4 होते तो वही 4 × 3 × 2 × 1। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड। ओके, कहने का मीनिंग यहां पर क्या हुआ, मेरे पास ये नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 है, ओके 1, 2, 3, 4, 5 ये डिजिट्स हैं और आपको इवन नंबर्स बनाने हैं, आपको इनको नंबर्स को लेकर आपको इवन नंबर्स बनाने हैं और डिजिट जो है वो रिपीट कर सकते हैं आप। कहने का मीनिंग क्या हुआ, अगर इवन नंबर बनाना है तो जो लास्ट डिजिट होगा वो इवन होना चाहिए। तो यहां पर इवन नंबर कौन कौन से हुए, 2 और 4, इन दो में से कोई भी एक डिजिट में यहां पर ले सकता हूं 2, तो मैं चॉइस क्या होगी 2 चॉइस, 2 नंबर नहीं ले रहा हूं, मेरे पास चॉइस 2 है इसलिए मैंने 2 ले लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अब नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, अब आगे इससे पहले मैं कोई भी डिजिट ले सकता हूं 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी डिजिट्स ले सकता हूं और डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नेक्स्ट जो है मेरे पास चॉइस वापस 5 बन गई, मींस अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 4 लिया तो 4 को वापस रिपीट करना है, तो इसका मतलब वापस चॉइस कितनी, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो नेक्स्ट मेरे पास चॉइस ओनली 4 होती, 5 नहीं होती, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन रिपीटेशन इज अलाउड तो केवल वापस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 कितना हो गया 10, यानी कि ऐसे आप कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो वी कैन फॉर्म द 10 इवन नंबर्स वी कैन फॉर्म बाय यूजिंग दीज 5 नंबर्स। ये आपके पास हो गया एग्जाम्पल नंबर थर्ड, नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। नाउ एग्जाम्पल नंबर फोर्थ इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट दे कैन बी जनरेटेड, अरेंज द लिस्ट ऑफ 2 फ्लैग एज इट इज, सेम ही क्वेश्चन है ये, आप कर लेना अपने आप। वैसे तो चलो मैं करवा देता हूं, सिग्नल कैन अरेंज एट द एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर 1 बिलो द अदर ऑन द वर्टिकली स्टॉप, वर्टिकल स्टॉप इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। आपके पास 5 फ्लैग्स ऑलरेडी गिवन है और यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आपको बताना है कि आपको 3 सिग्नल आपको बताना है इसमें। कहने का मीनिंग मेरा यहाँ पर ये कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, एटलीस्ट 2 अरेंज, क्या मीनिंग हुआ इसका, मेरे पास टोटल है 5, 1, 2, 3, 4 और 5, एंड तो सबसे पहले क्या हुआ, द नंबर ऑफ वेज इज 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू फर्स्ट सिग्नल के अकॉर्डिंग 5 × 4 = 20 और 20 × 3 इज इक्वल टू 16। रिपीटेशन इज अलाउड, यहां पे अपन को प्लस करना है, मुझे स्टाफ के अकॉर्डिंग मुझे इनको अरेंज करना है, तो नेक्स्ट मेरे पास नंबर क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2। अब आपको इसमें अरेंज करते जाओ 5 × 4 × 3 × 2, तो यहां पर आ जाएगा 120, वापस से आपके पास में आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, वापस से आपके पास बनेगा 120, और ये आपके पास आएगा वापस से 120 के बाद में 120 आपके पास से बन गया, तो और नेक्स्ट फर्स्ट जो बनेगा वो आपके पास बनेगा
20, क्योंकि 5 इंटू 4 लेना है पहले, क्योंकि एटलीस्ट 2 है. एटलीस्ट 2 का मीनिंग क्या हुआ कि कम से कम 2 और मैक्सिमम चाहे तो कितने भी. तो मैक्सिमम हम कितने चाह सकते हैं, हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो 5 के से ज़्यादा अपन ले नहीं सकते. और एटलीस्ट 2 लेने हैं, तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो गया, तो एटलीस्ट ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 3 और ये 4, और फर्स्ट आपके पास हो गया 5 × 4 = 20. तो कम से कम 2 लेना है, तो आपके पास पहले 2 लो, 2 के साथ हैं, फिर 3 के साथ हैं, फिर 4 के साथ हैं, और फिर 5 के साथ में चलना आपको. इस तरीके से अगर अपन करते हैं और इन सबको प्लस कर लीजिए, प्लस करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा आपके पास. इन सबको प्लस कर लीजिए और प्लस करने के बाद में आपके पास आंसर बनता है 320. सो दैट मीन्स 320 इज द टोटल, इट इज द आंसर. क्वेश्चन में क्या समझा कि एटलीस्ट टू मीन्स कम से कम 2, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के बेसिस पे. ओनली 5 डिजिट्स हैं, तो मैक्सिमम अपन 5 ले सकते हैं. तो पहले हमने 2 लिए, फिर हमने 3, फिर 4, फिर अपन ने 5. तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते गए. और ऐसे क्वेश्चंस में अपन को क्या करना है, पहले उनको मल्टीप्लाई करके पहले नंबर ऑफ बना लीजिए, और उसके बाद में हम उनको ऐड कर लेंगे. ऐड करने के बाद में जो भी आपका आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बन जाएगा. उनको ऐड करना है आपको, ये आपका आ गया. एग्जाम्पल्स मैंने आपको सभी करवा दिए. अब यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 को आप उसी के बेसिस, एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको सॉल्व करनी है. एक्सरसाइज में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, तो आप सॉल्व मुझसे पूछ सकते हैं. अभी आपको यहाँ के एग्जाम्स के, लोकल एग्जाम्स के बेसिस पर अभी मैं एक्सरसाइज में जो इसको स्कूल में जो भी एग्जाम्स होंगे, अभी मैं इसी एनसीईआरटी के बेसिस पे ही एग्जाम लूँगा. तो एनसीईआरटी पे अभी आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्योंकि एनसीईआरटी में हर टाइप का क्वेश्चंस हैं. और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा चाहिए, तो आप आरडी शर्मा और कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.